हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपका ऑन डिमांड टॉपिक। अगर आप परेशान हैं अपने काले होठों की वजह से, या होठों के आसपास का एरिया बहुत काला हो गया है, होठ बहुत फटते हैं आपके, या नेचुरली गुलाबी नहीं हैं आपके होठ, तो आज आपके लिए बड़ी मज़ेदार एक होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल आपने करना है रोज़ रात को सोने से पहले। बनाना कैसे है, लगाना कैसे है, होम रेमेडी क्या है, मैं सब बताने वाली हूँ, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले आप लें कच्चा दूध या दूध का पाउडर। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास दूध अवेलेबल नहीं है। ये मैंने आधा चम्मच दूध का पाउडर ले लिया है। आप कोई भी ले लें, मैं अमेजोन से ही मंगवाती हूँ, अमेजोन से लिया है, आप भी ले सकते हैं, बिंदास, टेंशन नहीं। दूसरी चीज़ है दोस्तों सफ़ेद चीनी। देखिए इतनी ही लेनी है, ये आपके होठों का कालापन, अगर आपके होठ बहुत फटते हैं, उसको रिपेयर करता है, ठीक करता है, और साथ ही साथ कलर नेचुरल तरीके से आएगा अगर ये वाली होम रेमेडी आप रेगुलरली लगाएंगे तो। आपने इतनी सी सफ़ेद चीनी ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, अगली चीज आपको चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। आपके पास ऑयल है तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करती हूँ नेचर्स तत्वाकाश, मेरे पास है विटामिन ई ऑयल, मैं वो भी लगाती हूँ, ये भी लगाती हूँ, आपके पास जो है आप वो लगाएं। अच्छा, इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने सारा नहीं करना, इसमें हम डालेंगे आधा कैप्सूल। आधा आपने क्या करना है मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए मैंने आधा डाल लिया है, आधा मैं रखूंगी, लेकिन मैं बताने वाली हूँ आपको कि इस आधे कैप्सूल का आपने क्या करना है, तो आप परेशान ना होए। दोस्तों ये ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलने वाला है और नेचुरल तरीके से, किसी केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं आपने लिप्स पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो हार्मफुल हो। लंबे समय तक इसका असर रहता है और लंबे समय तक लगाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और ये नेचुरल है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। अगली चीज आपने इसमें मिलानी है, या तो आप मिलाइए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं मिलाना चाहते हैं तब आपको चाहिए हनी। हनी तो वैसे भी आपको पता है कितना मीठा होता है, शुद्ध होना चाहिए बस। अब पता नहीं आजकल तो बाजार में ऐसे ऐसे हनी उपलब्ध होते हैं कि जिसमें ऐसे देख के समझ में आ जाता है कि सफ़ेद चीनी ही मिलाई हुई है उसमें, लेकिन आप प्योर वाला हनी लें। अगर नेचुरल हनी नहीं है तो फिर आप रहने दें, उसमें पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी तो हमने ऑलरेडी मिलाई है, हमको चीनी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो जी ये देखो, ये हो गया तैयार हमारे लिए होठों का स्क्रब। इसका इस्तेमाल आप एक बार बनाना है दिन में और दो बार आपने लगाना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जब भी आप नहाएंगे, रोज सुबह बना लें और लगाओ इसको, और रात को सोने से पहले इसको लगाओ, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, दोनों ही बाद में, दोनों के बाद बाद में आपने विटामिन ई ऑयल लेना है इस तरह से, और होंठों पे अच्छे से इस तरह से रब करना है, ठीक है। दूसरा, एक बूंद लेनी है, सुबह भी अपनी नाभि में लगाना है और शाम को भी ऐसे करके डॉट बनाना है आपने, अच्छे से लगाएं, और रात को भी सोने से पहले लगाना है। आप महसूस करेंगे कि आपके होंठ जो है नेचुरल तरीके से गुलाबी हो गए हैं। अच्छा, जिन लोगों को होंठों के आसपास भी कालापन है वो भी ये लगा सकते हैं, और जब होंठों के आसपास लगाना है तो इसमें मिला लें आप थोड़ा सा नमक, सॉल्ट जो होता है सफ़ेद वाला, वो मिलाएं। हाँ, लेकिन याद रखें, जब हमने लिप्स पे सिर्फ लगाना है तब हमने इसमें नमक नहीं मिलाना है। होंठों के आसपास का एरिया अगर आप काला हो गया है आपका, तब आप इसमें नमक थोड़ा सा मिलाएंगे, और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करनी है आपने इसी विटामिन ई ऑयल की, क्योंकि एक कैप्सूल एक दिन के लिए सफिशिएंट है। देखिए इसमें आधा ही यूज़ हुआ है, आधा बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा। ये पैक दो बार का है तो ये दो बार लगेगा। अब मैंने आपको बताई ये होम रेमेडी, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पसंदीदा वीडियो बनाऊँ और आपके हिसाब से बनाऊँ। तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ
और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक करो और इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों को ये लगता है कि ये तो नेचुरल सी चीज़ बताई है, बहुत ही ईजी सा तरीका, यकीन मानिए ये फ़ायदा देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट कैसे मिल गए। और फिर इस्तेमाल करके लाजमी बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि सच्चे सच्चे में कितने परसेंट रिजल्ट मिले। तो चलिए फिर मैं आऊँगी अपने ऐसे ही अच्छे से धमाकेदार वीडियो के साथ। आप रखिए अपना ध्यान और खूब सारा खुश रहिए। बाय बाय।